हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम ट्रिक्स टू कैलकुलेट वेदर द गिवन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, कि वो जो गिवन मॉलिक्यूल है आपके पास वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। कहाँ कहाँ यूज हो गई है? ये आपके नीट के एग्जाम में यूज होगी, ये आपके जेई के एग्जाम में भी यूज होती है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं कि भाई ये कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है एंड कौन सा डायमैग्नेटिक है, जरा बताओ हमें। ठीक है, और किसका पार्ट है ये? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। अब होता क्या है, पैरामैग्नेटिक आपके वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय इट। ठीक है, उससे वीकली रिपेल करते हैं। ये तो हो गया डायमैग्नेटिक। एंड पैरामैग्नेटिक क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। अब कैलकुलेट कैसे करना है कि जो आपका गिवन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है, तो उसके लिए एक तो ये ट्रिक होती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इवन है, इवन नंबर आ रहा है, तो वो चीज कैसी है? डायमैग्नेटिक। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ऑड आ रहे हैं तो वो चीज कैसी है? पैरामैग्नेटिक है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, वन सेकेंड। ओके, सो N2 यानी नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। दो है यहां पे, तो यानी कितने हो गए? 14। एंड 14 क्या है आपका? इवन नंबर है ना, तो N2 कैसा हो जाएगा आपका? डायमैग्नेटिक, अगर इवन है तो। फिर O2+, एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। दो के अंदर कितने होंगे? +8, 16। एक यहां पे आ रहा है प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर छोड़ दिया, यानी -1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। एंड 15 इलेक्ट्रॉन क्या है? ओड है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, तो ये चीज कैसी आपकी? पैरामैग्नेटिक। फिर जैसे हीलियम है यहां पे, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा? 4 और 3, तो ये भी आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक। NO यहां पे कितना है? 7। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एंड ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। तो यहां पे कितने आ जाएगा ये टोटल? 15। एंड 15 क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक है। CN कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 6। नाइट्रोजन के अंदर 7, एक माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन और है, यानी +1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 14 क्या है? इवन नंबर है, तो ये डायमैग्नेटिक। O2-, एक O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। दो के अंदर कितने होते हैं? 16। एक माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन और ले रखा है इसने, यानी 1, तो 8 और 16 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 17 क्या है? ओड नंबर है, यानी ये चीज कैसी है? पैरामैग्नेटिक है। C2 एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, दो कार्बन के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। NO 7+8, ये प्लस है यानी एक माइनस हो चुका है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ दिया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हम? 14 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके? पैरा है या डाया है? डाया, क्योंकि इवन नंबर है ना। NO2-, एक नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। एक ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 8। एक और ऑक्सीजन है, यानी कितने? 8। ऊपर से क्या है? माइनस का चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एड है। 16 प्लस 1 17, एंड ये कितना हो जाएगा? अरे यार, मैथ्स करनी पड़ जाएगी। 16 × 17 एंड 7, 7 × 7 = 14, 24, तो ये कैसा आ जाएगा आपका? डायमैग्नेटिक। ठीक है, इजी है। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो चीज क्या होगी? डायमैग्नेटिक। अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चीज कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्ट, यहां पे क्या दे रखा है? कुछ एक्सेप्शन दे रखा है, ठीक है, ये एक्सेप्शन अच्छे से देख लेते हैं। एक्सेप्ट B2 एंड O2। B2 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। ओड है या इवन है? इवन है। इवन होने के बाद में भी, ठीक है, इवन है तो क्या होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं है। इवन होने के बाद में भी क्या है? ये पैरा मैग्नेटिक है। इवन होने के बाद में भी ये चीज क्या है? इवन होने के बाद में भी ये चीज है पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? तो ट्रिक कैसे, इसको कैसे याद करोगे? एक बोस याद कर लेना, ठीक है, B4 B2, O4 O2, S4 S2,
इनके जब आप इलेक्ट्रॉन का सम करोगे तो वो इवन नंबर आएगा, बट इवन होने के बावजूद भी ये जो बोर्स है ये लोग कैसे हैं, पैरा के, पैरा मैग्नेटिक टाइप के। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कौन सी चीज पैरा है कौन सी चीज डाया है। डायरेक्टली नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें बताना होता है कौन सा पैरा है कौन सा डाया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ लेना। ओके बाय।